नमस्कार साथियों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूं एमएस वर्ड 2010 में लाइन तथा सिंबल कैसे इंसर्ट करें, और वो भी एक शानदार ट्रिक्स के साथ। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले एमएस वर्ड को आप ओपन करें, और एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए स्टार्ट बटन पे आप क्लिक करें। ऊपर ऊपर आपको मिल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010, ठीक है, इसके ऊपर आप क्लिक कर दें। लेकिन बहुत सारे कंप्यूटर में ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको यहां पर नहीं मिलता है, ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, उसके लिए आपको कीबोर्ड से विंडो की के साथ में आपको आर दबाना है। जैसे ही विंडो की के साथ में आप आर दबाते हैं तो आपके सामने रन ओपन हो जाता है, और रन ओपन होने के बाद कीबोर्ड से आपको लिखना है विनवर्ड और ओके करना है। जैसे आप ये काम करते हैं तो आपके सामने एमएस वर्ड जो है वो ओपन हो जाता है। तो विंडो की के साथ में मैंने आर दबाया, ठीक है, रन ओपन हुआ, विनवर्ड इसमें लिखा हुआ है, और जैसे ही आप ओके पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एमएस वर्ड की विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। एमएस वर्ड की विंडो ओपन होने के बाद सबसे पहले हम माउस के माध्यम से हमारे एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में लाइन कैसे इंसर्ट करें, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करें, इंसर्ट पे आप क्लिक करें, ठीक है। इंसर्ट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहां पर आपको एक इलस्ट्रेशन ग्रुप मिलेगा। इस इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर आपको यहां मिलेगा सेप। जैसे ही आप सेप के ऊपर क्लिक करोगे तो यहां आपको मिलेगी एक लाइन। जैसे ही इस लाइन पे आप क्लिक करते हैं और माउस के लेफ्ट बटन को दबा के अगर आप लाइन इंसर्ट करते हैं तो आपके एमएस वर्ड के अंदर एक लाइन इंसर्ट हो जाती है। लेकिन इसे अगर आप बारीकी से देखेंगे तो ये जो लाइन है वो आपकी सीधी नहीं है। कहने का मतलब ये लाइन जो आपकी है वो टेढ़ी मेढ़ी है, ठीक है। अब हम ये चाहते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर बिल्कुल सीधी लाइन आए, ठीक है। तो ध्यान देना यहां पे, अगर आप सीधी लाइन खींचना चाहते हैं तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए फिर से आप इंसर्ट में आए, ठीक है, शेप के अंदर आके लाइन को सेलेक्ट करें, और लाइन को सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड के अंदर आपको मिलेगी शिफ्ट की। इस शिफ्ट की को आप दबा के रखें और उसके बाद में लाइन इंसर्ट करें। तो शिफ्ट को दबाने का बेनिफिट ये होगा कि लाइन बिल्कुल सीधी खींची जाएगी, ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं। तो ये करके देख लो आप, शिफ्ट की को मैंने दबा के रख रखा है और माउस के लेफ्ट बटन को दबा के मैंने लाइन इंसर्ट की, बिल्कुल सीधी लाइन आई है, देखो, ठीक है। तो अगर आप शिफ्ट के साथ में लाइन इंसर्ट करते हैं, ठीक है, या लाइन ड्रॉ करते हैं तो बिल्कुल सीधी लाइन उसके अंदर आएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से एमएस वर्ड के अंदर अगर आप सीधी लाइन खींचना चाहते हैं तो शिफ्ट की के साथ में आप, ठीक है, इस लाइन को ड्रॉ करें। इसके बाद में ये लाइन तो आपकी है हॉरिजेंटल, आप ये चाहते हैं कि मुझे एक वर्टिकल लाइन भी चाहिए, तो उसके लिए क्या करना है, इंसर्ट पे क्लिक करो, शेप के अंदर आ जाओ, लाइन को सेलेक्ट करो, और अगर आप बिना शिफ्ट के दबाओगे तो वही टेढ़ी मेढ़ी फिर आएगी। तो आपको क्या करना है, शिफ्ट की को दबा के रखना है और ये एक वर्टिकल लाइन भी आपको इंसर्ट करा लेनी है, समझ गए। तो इस प्रकार से एमएस वर्ड के अंदर अगर आपको वर्टिकल या हॉरिजेंटल लाइन अगर आपको इंसर्ट कराना है तो इस प्रकार से आप बड़ी ही आसानी से करा सकते हैं, ठीक है। तो अब इनको तो मैं कर देता हूं डिलीट। डिलीट करने का तरीका यह है कि जब आप पॉइंटर को इसके ऊपर लेके आते हैं तो एक प्लस का एरो देखने को मिलता है, सेलेक्ट करो और कीबोर्ड के अंदर डिलीट की है उससे इसको डिलीट कर दो, ठीक है। इसी प्रकार से इसको भी सेलेक्ट करके डिलीट कर दो और इसको भी सेलेक्ट करके डिलीट कर दो, समझ गए। तो माउस के माध्यम से डॉक्यूमेंट में अगर आपको लाइन इंसर्ट कराना है तो इस प्रकार से हम इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में दोस्तों आज का जो टॉपिक हमारा है वो है ट्रिक्स का। सबसे पहली हमारी जो ट्रिक्स है वो ये है कि हमें एक ट्रिक्स के माध्यम से एक हॉरिजेंटल लाइन इंसर्ट करानी है, और हॉरिजेंटल लाइन इंसर्ट कराने के लिए कीबोर्ड के अंदर दोस्तों आपको ये जो की दिखाई दे रही है ना, इसमें जो ऊपर वाला कैरेक्टर है, ऊपर वाली जो लाइन आपको दिख रही है, इसे हम बोलते हैं अंडरस्कोर, और नीचे वाली जो लाइन है इसको हम बोलते हैं हाइफन। हालांकि मैंने पिछले वीडियो के अंदर इनको मैंने अच्छे तरीके से समझा रखा है,
तो मेरे जो पीछे की वीडियो है वो जाके आप जरूर देखें, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अगर एक स्ट्रेट लाइन हमें चाहिए तो हमें हाइफन दबाना पड़ेगा, और वो भी कितनी बार, 3 बार, समझ गए, जिसे आप डैश भी कहते हैं। जैसे आप 3 बार डैश अगर दबाओगे, ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं क्या करता हूँ, यहां से थोड़ी सी साइज बढ़ा लेता हूं, और जैसे मैं 3 बार डैश अगर दबाता हूं, 1 2 3, और जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करता हूं तो आपके सामने की स्ट्रेट लाइन आ जाती है, ठीक है। तो ये थी हमारी ट्रिक्स नंबर 1। इसके बाद में आती है ट्रिक्स नंबर 2। ट्रिक्स नंबर 2 के अंदर क्या है, हम ये चाहते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन आए, लेकिन वो बोल्ड आए, बोल्ड का मतलब गहरी आए, ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, जो मैंने आपको अभी बताया था अंडरस्कोर, ठीक है, ये ऊपर वाला, इसको आपको 3 बार प्रेस करना है। तो इसको 3 बार प्रेस करने के लिए सिंपल प्रेस करोगे तो ये प्रेस होगा नहीं, आपको शिफ्ट के साथ में दबाना पड़ेगा, क्योंकि ये ऊपर वाले जितने भी कैरेक्टर आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें से किसी भी कैरेक्टर को अगर आपको यूज में लेना है तो वो हमेशा शिफ्ट की के साथ ही काम करेंगे। अब यहां पे क्वेश्चन आपका ये उठेगा कि सर ये शिफ्ट के साथ ही काम क्यों करेंगे, तो मेरा कीबोर्ड का वीडियो मैंने बना रखा है और उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इसको समझा के रखा है, तो वहां जाके उस वीडियो को आप देखें कि ये जो ऊपर वाले कैरेक्टर है ये कीबोर्ड में टोटल होते कितने हैं, और इनको दबाते वक्त हमें शिफ्ट की को क्यों दबाना पड़ता है, इस क्यों का जवाब आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो अंडरस्कोर है वो ऊपर की तरफ है, और ऊपर वाले को अगर हमें यूज में लेना है तो शिफ्ट की को आपको दबा के रखना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, कीबोर्ड में से मैंने शिफ्ट की को दबाया है, और 3 बार मैं, 1 2 3, 3 बार मैं अंडर स्कोर दबा के जैसे ही एंटर की प्रेस करूंगा तो हमारे सामने एक लाइन आएगी, लेकिन वो लाइन आएगी बोल्ड, यानी गहरी लाइन इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये थी हमारी ट्रिक्स नंबर 2। इसके बाद में दोस्तों ट्रिक्स नंबर हमारी आती है 3। ट्रिक्स नंबर 3 के अंदर हम ये चाहते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर एक जिगजिग लाइन आ जाए, ठीक है, हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर एक जिगजिग लाइन आ जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, कीबोर्ड के अंदर ये वाला जो सिंबल है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं टिल्ड साइन, ठीक है ना, टिल्ड बोलते हैं इसे, इस टिल्ड साइन को अगर आप 3 बार प्रेस करते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान देना कि ये वाला जो सिंबल है वो ऊपर की तरफ है, और ऊपर की तरफ जो भी सिंबल होते हैं अगर आप उसे यूज में लेना चाहते हैं तो शिफ्ट की के साथ में आपको दबाना पड़ेगा। तो शिफ्ट की के साथ में आप जैसे ही 3 बार टिल्ड साइन अगर आप प्रेस करते हैं और जैसे ही एंटर की प्रेस करोगे तो आपके सामने ये जिगजैग लाइन इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। ये थी हमारी ट्रिक्स नंबर 3। इसके बाद में दोस्तों ट्रिक्स नंबर हमारी आती है 4। ट्रिक्स नंबर 4 के अंदर मैं ये चाहता हूं कि यहां पे डबल लाइन आए। आपने देखा होगा कि जो पैराग्राफ हमारे होते हैं या कोई भी वर्ड होते हैं उसके नीचे अगर हमें डबल अंडरलाइन इंसर्ट करनी होती है, उसी तरीके से हमें डबल यहां पे लाइन चाहिए, ठीक है। तो डबल लाइन इंसर्ट कराने के लिए आपको क्या करना है, कीबोर्ड के अंदर यहां आपको मिल जाएगा बराबर का सिंबल। इस बराबर को जैसे ही आप 3 बार प्रेस करेंगे और एंटर की अगर प्रेस करते हैं तो आपके सामने डबल अंडरलाइन आ जाएगी। अब यहां पे थोड़ा सा आप ध्यान दें कि ये जो बराबर है ये ऊपर की तरफ नहीं है, नीचे की तरफ है, और नीचे की तरफ है तो हमें शिफ्ट की को दबाने की आवश्यकता नहीं है, समझ गए। तो बिना शिफ्ट की के अगर मैं 3 बार बराबर का सिंबल प्रेस करता हूं और एंटर की जैसे मैं प्रेस करूंगा तो डबल लाइन इसके अंदर आ जाएगी। अब डबल लाइन आने के बाद में ये जो हमारी 4 नंबर ट्रिक्स है वो समाप्त होती है। इसके बाद में दोस्तों 5 नंबर जो ट्रिक्स है वो ये है कि मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास में डैश वाली लाइन आ जाए, ठीक है। तो डैश वाली के लिए दोस्तों क्या करना होगा, डैश वाली के लिए आपको क्या करना है, ये जो स्टार है ना, इस स्टार को आपको 3 बार दबाना होगा। अब आप ये देखो कि ये स्टार जो है वो ऊपर की तरफ है, और ऊपर वाली को यूज में लेने के लिए हमें शिफ्ट के साथ में इसको दबाना पड़ेगा। जैसे हम शिफ्ट के साथ में अगर 3 बार स्टार हम दबाते हैं और जैसे ही एंटर की हम प्रेस करते हैं तो हमारे सामने
डैश वाली लाइन जो है वो इंसर्ट हो जाती है। ठीक है, ये हमारी 5 नंबर जो ट्रिक्स है वो समाप्त होती है। इसके बाद में दोस्तों, अगर हम शिफ्ट के साथ में हैच सिंबल को 3 बार दबाते हैं, ठीक है, शिफ्ट के साथ में अगर हम हैच को 3 बार दबाते हैं और एंटर की प्रेस करते हैं, तो इस प्रकार की लाइन आपके सामने इंसर्ट हो जाती है। ये थी हमारी ट्रिक्स नंबर 6। ठीक है, 6 नंबर ट्रिक्स कंप्लीट होने के बाद अब दोस्तों 7 नंबर जो हमारी ट्रिक्स है, वो हमारी 7 नंबर ट्रिक्स ये है कि हम ये चाहते हैं कि हमें कोई भी एक सैंपल पैराग्राफ चाहिए, या हम किसी को प्रैक्टिकल करके उसको ये समझाना चाहते हैं, तो कुल मिला के हमारे पास में थोड़ा सा मैटर चाहिए। ठीक है ना, सैंपल पैराग्राफ हमारे पास में चाहिए। तो सैंपल पैराग्राफ के लिए दोस्तों मैं काम करता हूं, एक नया पेज ले लेता हूं, और अभी मैं आपको दिखाऊं तो मेरे पास में अभी एक पेज है। ठीक है, तो मुझे अगर नया पेज लेना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, नए पेज के लिए आपको कीबोर्ड से कंट्रोल की दबाना है, और कंट्रोल की के साथ में आपको सॉरी एंटर की प्रेस करनी है। जैसे ही कंट्रोल के साथ में आप एंटर की प्रेस करोगे, ठीक है ना, तो आपके सामने एक नया जो क्या बोलते हैं, नया जो पेज है वो आपके सामने इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे मैं कंट्रोल के साथ में एंट्री की प्रेस करता हूं, तो ये देखो दूसरा पेज आ गया, और यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा कि पहले एक था, अब कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब अगर हमें सैंपल पैराग्राफ चाहिए तो आपको लिखना है बराबर RAND लिखना है, और सिंपल कोष्टक लगा के आपको एंटर करना है। जैसे आप ये करोगे तो आपके सामने 3 पैराग्राफ आ जाएंगे। ये आपका पहला पैराग्राफ है, ये है दूसरा पैराग्राफ, और यहां से है तीसरा पैराग्राफ। ठीक है, मैं Ctrl+Z दबा के पहले वाली स्थिति में आ जाता हूं, यानी बराबर RAND और सिंपल कोष्टक आप लगाते हैं तो 3 पैराग्राफ आपके सामने आते हैं। अगर आप इस कोष्टक के अंदर अगर आप 2 लिखेंगे तो आपके सामने 2 पैराग्राफ आ जाएंगे। अब यहां पे क्वेश्चन ये उठेगा कि सर हमें अगर मैक्सिमम पैराग्राफ चाहिए तो एमएस वर्ड के अंदर मैक्सिमम हम कितने पैराग्राफ ले सकते हैं। तो दोस्तों मैक्सिमम अगर आपको पैराग्राफ चाहिए तो आप 200 पैराग्राफ एमएस वर्ड में इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे आपने 200 लिखा, एंटर किया, तो आपके सामने 200 पैराग्राफ आ गए। अब कुछ स्टूडेंट का ये कहना है कि सर ये 200 पैराग्राफ आ गए तो हम कैसे इसका पता करें। तो दोस्तों अगर आपके पास में समय है तो एक एक को काउंट करो, और समय नहीं है तो फिर आपको ये मानना पड़ेगा कि जैसे ही आप 200 लिखोगे तो 200 पैराग्राफ ही आपके सामने आएंगे। ठीक है, अब कुछ ऐसे स्टूडेंट मिलते हैं जिनका टाइम पास नहीं होता, दिन बहुत बड़ा लगता है, तो ऐसा काम कर सकता है वो। ठीक है, एक एक पैराग्राफ को वो काउंट करे, और काउंट करेंगे और लास्ट वाले पैराग्राफ पे जब वो पहुंचेंगे तो आना 200 नंबर ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से एमएस वर्ड के अंदर हम मैक्सिमम जो है वो कितने पैराग्राफ ले सकते हैं, 200 पैराग्राफ। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों यहां 200 की बजाय अगर मैं यहां पर 3 लिख के कोमा लगा के अगर मैं 2 लिखता हूं, तो अब इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट वैल्यू है, यानी जो 3 लिखा है, इसका मतलब तो ये है कि आपके सामने 3 पैराग्राफ आएंगे। लेकिन कोमा लगाने के बाद में जो आपने 2 लिखा है, इस 2 का मतलब ये है कि प्रत्येक पैराग्राफ के अंदर 2 ही सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ध्यान से समझना इसको। अगर आप 3,2 लिखते हैं तो 3 का मतलब है कि आपके पास में 3 पैराग्राफ आएंगे, और 2 का मतलब यह है कि प्रत्येक पैराग्राफ के अंदर आपको 2 ही सेंटेंस देखने को मिलेंगे। तो सर अगर हम 2 को भी हटा देते हैं और अब अगर एंटर की प्रेस करते हैं तो 3 पैराग्राफ तो आएंगे आएंगे, लेकिन अब हमें यह बताओ आप कि जो पहला जो पैराग्राफ है ना, पहला जो पैराग्राफ है, अब इसके अंदर कितने सेंटेंस हैं। भाई हमने कॉमा लगा के तो कुछ लिखा ही नहीं है,
हमने तो केवल तीन लिखा है, एंटर की प्रेस की है, और एंटर की प्रेस करते ही हमारे सामने तीन पैराग्राफ आ गए। लेकिन तीन पैराग्राफ आने के बाद में अब आपको क्या करना है, यहां पे ये देखना है कि आपके पास में जो पहला पैराग्राफ है उसके अंदर सेंटेंस कितने हैं। तो ये पहला सेंटेंस है, यहां से लेके यहां तक ये दूसरा सेंटेंस है, और यहां से लेके यहां तक तीसरा सेंटेंस है। ठीक है, यानी कहने का सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर आप कॉमा लगा के कोई वैल्यू नहीं लिखते हैं तो प्रत्येक पैराग्राफ के अंदर तीन सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब मैं काम करता हूं, यहां पे थ्री के बाद में कॉमा लगा के अगर मैं यहां पे टू लिख देता हूं, और अब अगर मैं एंटर की प्रेस करता हूं, तो अब आप ये देखो कि प्रत्येक पैराग्राफ के अंदर आपको केवल दो ही सेंटेंस देखने को मिलेंगे। ये पहला सेंटेंस है और यहां से लेके ये आपका दूसरा सेंटेंस है। ठीक है, चलो हम तीन नंबर पैराग्राफ में एक बार और चेक कर लेते हैं। तो यहां से लेके और यहां तक ये आपका पहला सेंटेंस है, और यहां से लेके यहां तक ये आपका दूसरा सेंटेंस है। समझ गए? तो समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों, कई बार हम ये सुनते हैं कि कुछ लोग इसको या कुछ स्टूडेंट इसको आर ए एन डी को रेंड कहते हैं, और कुछ स्टूडेंट इसको जो मैं आपको बता नहीं सकता। ठीक है, हाँ इतना जरूर है, इतना मैं आपको बता सकता हूं कि जब दो औरतें आपस में लड़ती है, झगड़ती है, तो ये शब्द जो है वो बहुत बार आपको सुनने को मिलता है जो आप सोच रहे हैं। ठीक है, और जब दो औरतें आपस में झगड़ती है तो बड़ा आपको आनंद आता है, ऐसा लगता है कि मैं इनकी बातें सुनता ही जाऊं, और जब आप सुनते हैं तो ये जो आर ए एन डी है ये आपको बार बार सुनने को मिलता भी है। समझ गए? ठीक है, इसलिए आप समझदार हो, समझ गए होंगे। तो ये जो शब्द है, जब औरतें लड़ती झगड़ती है तो वहां पर आपको बार बार सुनने को मिलता है। जब सुनने को मिलता है, आपको सुनने में अगर आनंद आता है तो आप बड़ी आसानी से कैसे भूल सकते हो इसको। ठीक है, तो इस कमांड को दोस्तों आपको कभी नहीं भूलना है। ठीक है, कमांड का नाम है बराबर आर ए एन डी। ठीक है, तो ये हमारी जो सात नंबर ट्रिक्स है वो यहां पे समाप्त हुई। इसके बाद में दोस्तों हमारी जो आठ नंबर ट्रिक्स है, ठीक है, मैं एक नया पेज ले लेता हूं एंटर की प्रेस करके। अब हमारी जो आठ नंबर ट्रिक्स है वो ट्रिक्स हमारी ये है कि जब भी हम ऑफिस में या किसी भी संस्था में या हम घर पे अगर कोई भी लेटर एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं, ठीक है, तो उस लेटर एप्लीकेशन के अंदर हमें बहुत प्रकार के सिंबल इंसर्ट करने पड़ते हैं। जैसे जैसे कॉपीराइट का सिंबल, ट्रेडमार्क का सिंबल और रजिस्टर्ड का सिंबल। तो ये हम एक ट्रिक्स के माध्यम से कैसे इंसर्ट करें तो वो देख लेते हैं। दोस्तों अगर आपको कॉपीराइट का सिंबल चाहिए तो आपको सिंपल कोष्ठक दबाना है, ठीक है, उसमें आपको सी लिखना है। अब सी चाहे आप छोटा लिखें या बड़ा लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जैसे ही आप क्लोज ब्रैकेट को बंद करते हैं तो कॉपीराइट का सिंबल आपके सामने आ जाता है। समझ गए? इसी प्रकार से अगर आपको ट्रेडमार्क का सिंबल चाहिए तो कोष्ठक के अंदर आपको लिखना है टीएम, और जैसे ही कोष्ठक बंद करोगे तो ये ट्रेडमार्क का सिंबल आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर आपको चाहिए रजिस्टर्ड का सिंबल तो कोष्ठक के अंदर आपको आर लिखना है, कोष्ठक बंद करो, रजिस्टर्ड का सिंबल आ जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी ट्रिक्स नंबर आठ। इसके बाद में दोस्तों ट्रिक्स नंबर आती है नाइन। ट्रिक्स नंबर नाइन के अंदर हम सीखेंगे कि अगर हमें लेफ्ट एरो या राइट एरो चाहिए, है ना, हमें ट्रिक्स के माध्यम से लेफ्ट एरो या राइट एरो चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना है। हमें अगर राइट एरो चाहिए तो दो बार आपको डैश दबाना है, और जैसे ही आप ग्रेटर देन वाला सिंबल लगाएंगे, ठीक है, तो ये राइट वाला एरो बन गया। ठीक है, अब ये जो ग्रेटर देन वाला सिंबल है वो देखो यहां होता है, ये वाला, ये ग्रेटर देन है और ये लेस देन है। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए, ये राइट वाला एरो तो बन गया लेकिन मुझे लेफ्ट वाला एरो चाहिए। तो लेफ्ट वाले एरो के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, जो आपका लेस देन है उसको आप दबाएं और दो बार आप हाइफन दबा दें, तो ये आपका लेफ्ट वाला एरो आ जाएगा। तो इस प्रकार से
ये जो आपकी ट्रिक्स नंबर 9 है वो कंप्लीट हुई। इसके बाद में दोस्तों ट्रिक्स नंबर जो हमारी 10 है वो ये है कि हम एरो का सिंबल इंसर्ट तो करेंगे, लेकिन अब हमें क्या चाहिए, वो थोड़ा सा चाहिए बोल्ड, है ना, गहरा चाहिए हमें। तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, अब की बार डैश दबाने की बजाय आपको दो बार दबाना है बराबर, और बराबर दबाने के बाद जैसे ही आप ग्रेटर देन दबाओगे तो ये राइट वाला एरो आ गया, लेकिन ये क्या है, थोड़ा सा बोल्ड होके आया है। समझ में आ रहा है मैं क्या समझा रहा हूं? ठीक है, ये जो है वो थोड़ा सा गहरा आया है। अब हमें क्या चाहिए, लेफ्ट वाला एरो चाहिए। लेफ्ट वाला एरो चाहिए तो हमें लेस देन को दबाना है और दो बार हमें बराबर प्रेस करना है। जैसे प्रेस करोगे तो ये जो है वो बोल्ड एरो आपके सामने आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो 10 नंबर आपका ट्रिक्स है, ठीक है, वो यहां समाप्त हुआ। इसके बाद में ट्रिक्स नंबर 11। ट्रिक्स नंबर 11 में दोस्तों हम ये चाहते हैं कि दो मुंह वाला एरो की बन जाए, ठीक है ना, दो मुंह वाला एरो की बन जाए। अब दो मुंह वाला एरो की बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, लेस देन मैंने दबाया, बराबर का सिंबल दबाया, और उसके बाद में मैं जैसे ही ग्रेटर देन दबाऊंगा तो ये दो मुंह वाला एरो की बन जाएगा। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको दोस्तों ये ध्यान में रखना है कि जब हमने लाइन इंसर्ट किया तो हमने सिंबल को तीन बार प्रेस किया, हमने डैश को कितनी बार दबाया, तीन बार, समझ गए। अगर हमें एरो की चाहिए तो हमने डैश को दो बार दबाया, और अगर हमें गहरा एरो की चाहिए तो हमने बराबर को केवल एक ही बार दबाया। ध्यान दो, एक बार नहीं, दो बार दबाया, ठीक है। आपको चेक करने के लिए मैं ये चीज कर रहा हूं कि जब हमें एरो बनाना है बिना बोल्ड वाला तो हमें डैश को कितनी बार दबाना है, दो बार। हमें बोल्ड चाहिए तो बराबर को कितनी बार दबाना है, दो बार। लेकिन जब हमने लाइन इंसर्ट किया तो उसमें हमने सिंबल कितनी बार दबाया, तीन बार। और जब दो मुंह वाला एरो की अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसके अंदर बराबर को केवल आपको एक ही बार दबाना है। समझ में आ गया होगा। इसके बाद में दोस्तों 12 नंबर जो ट्रिक्स है, आज की जो सबसे लास्ट वाली ट्रिक है, वो अगर देखा जाए तो आप अगर किसी संस्था में जॉब करते हैं एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर तो आपके बहुत काम आती है, ठीक है। अगर आप मैथ का पेपर बनाते हैं, फिजिक्स का पेपर बनाते हैं, तो दोस्तों उसके अंदर आपको फ्रैक्शन जो है वो बहुत ज्यादा डालना पड़ता है, ठीक है। आपको पेपर बनाते वक्त ये जो फ्रैक्शन है ये आपको बहुत ज्यादा डालना पड़ता है। फ्रैक्शन का मतलब होता है कि अगर आपको एमएस वर्ड के अंदर या पेपर बनाते वक्त अगर आपको मान लीजिए डेढ़ लिखना है, ढाई लिखना है, या फिर पौने तीन लिखने हैं, या पौने चार आपको लिखना है, ठीक है, तो ये हम एमएस वर्ड में कैसे करें। हालांकि काम थोड़ा सा मुश्किल है ये, और कई बार तो बहुत सारी दिक्कतों का हमें सामना भी करना पड़ता है, ठीक है। रोजमर्रा की जिंदगी में यानी ऑफिस में या संस्था में बैठ के पेपर बनाओगे, आपके सामने ये दिक्कत 101% आएगी, क्योंकि मैथ का पेपर बनाओगे तो ऐसा आपको वहां पे डालना पड़ेगा। अगर आपको डेढ़ लिखना है तो एक सही एक बटा दो आपको लिखना पड़ेगा, है ना। अगर ढाई लिखना है तो दो सही एक बटा दो आपको लिखना पड़ेगा। तो ये मैं एक ट्रिक्स के माध्यम से आपको बताता हूं कि ये हम कैसे लिखेंगे। मान लीजिए मुझे एक सही एक बटा दो लिखना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे एक लिखूंगा और फिर एक लिख के ऑब्लिक लगा के टू लिखूंगा और एंटर करूंगा तो ये हमारा काम नहीं करेगा, नहीं कर रहा है ना, ये तो 11 बटा 2 हो गया। इसके लिए आपको क्या करना है, एक प्रेस करना है, कीबोर्ड से आपको स्पेस दबाना है और फिर वन लिख के ऑब्लिक लिख के आपको टू लिखना है, और जैसे ही एंटर किया प्रेस करोगे तो वन यानी एक सही एक बटा दो आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। अब आपको लिखना है दो सही तीन बटा चार, तो आपको क्या करना है, पहले दो लिखना है, स्पेस देना है, तीन लिखना है, ऑब्लिक चार लिखना है, और जैसे ही एंटर की प्रेस करोगे तो दो सही तीन बटा चार आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से
आज की जो हमारी क्लास है वो यहीं पे समाप्त होती है। ठीक है, अगर दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो इसको लाइक करें, नए वीडियो की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ में इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि मैं इससे भी बेहतर वीडियो आपको बना के दे सकूं। और कमेंट के अंदर मुझे लिख के बताएं आज का वीडियो आपको कैसा लगा और आज के वीडियो में क्या कमी रही। ठीक है, ये मुझे कमेंट में लिख के आप जरूर बताएं। तो धन्यवाद दोस्तों।